नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे हैं और अपना अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया इसी वक्त सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आपको मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम सब अपने ट्रैवल पेपर्स, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स को हमेशा अपडेटेड रहे। क्या पता कब कोई इमरजेंसी आ जाए, और इमरजेंसी ऐसी होती है दोस्तों जो कभी भी किसी भी समय आपको ये नहीं बताती है कि वो कब आएगी, वो अचानक से हिट करती है। ये एग्जाम्पल देख लीजिए। एक आदमी है, वर्क परमिट में काम कर रहा है वैंकूवर में, और उसके पिताजी की मृत्यु हो गई इंडिया में। अब उसको उसके पास TRV नहीं है, वर्क परमिट है, बट वर्क परमिट ट्रैवल डॉक्यूमेंट तो होता नहीं है। अब ये पूछ रहा है कि TRV तत्काल में एक दिन में मिल जाएगा। भाई, तत्काल प्रोसेस इंडिया में होता है, कनाडा में नहीं होता है, कैनेडियन डॉक्यूमेंट्स का नहीं होता है। अर्जेंट प्रोसेसिंग होती है बहुत चीज़ की, लेकिन ये तत्काल TRV तो मैंने नहीं सुना है कभी। हाँ, वो अपने लोकल पॉलिटिशियन से कनेक्ट कर सकता है, वो बोल सकता है कि भाई मेरा केस ऐसा है, अर्जेंटली प्रोसेस कर दो, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अब वो इंडिया जाता है, वहाँ का 3 महीने का प्रोसेसिंग टाइम है, वो भी एवरेज, पता नहीं होते से ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है। या कनाडा में रह के अगर अप्लाई करेगा तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो इस तरह की इमरजेंसी कभी भी किसी को आ सकती है। तो आप कहीं भी रह रहे हैं, आप अपने होम कंट्री में क्यों ना रह रहे हैं, अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स पेपर्स को हमेशा अप टू डेट रखें। मान लीजिए वो पहले से TRV अगर अप्लाई कर लेता जब उसका एक्सपायर हुआ था, आज के डेट में उसके पास अगर होता तो ये समस्या नहीं आती। परिवार में जो लॉस हुआ वो तो हुआ ही, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये समस्या नहीं आती। अभी वो ट्रैवल कर सकता था अगली फ्लाइट पकड़ के। तो यही है दोस्तों, आशा करता हूँ आप इससे लेसन लीजिए। भगवान करे से जल्दी मिल जाए डॉक्यूमेंट, बट हम सबके लिए एक लेसन है जो हमें लेना चाहिए इससे। तो वीडियो देखने का धन्यवाद दोस्तों, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही आगे जाइएगा। थैंक यू।